व्हाट्सएप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर से हाजिर हुआ हूं आप सब के लिए एक बॉलीवुड की नई अपडेट लेके। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि एक बॉलीवुड की ही एक बहुत फुल एक्शन वाली मूवी आ रही है जिसका नाम है गणपत। उसका टीजर भी फाइनली आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है, आपको नहीं पता है, तो मैं बता दूँ ये टाइगर श्रॉफ की मूवी है और जिसका फाइनली टीजर आ चुका है। इसमें अमिताभ बच्चन जी भी हैं। जी हाँ, तो जब इसका टीजर लॉन्च हुआ था ना, तो मैंने उसके टीजर को देखा था। उसमें टाइगर श्रॉफ की जो बॉडी है, जो फिगर है, भाई कमाल है। मैंने ये सोचा ना कि इस बार कुछ बहुत अमेजिंग आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त मूवी आने वाली है टाइगर श्रॉफ की, क्योंकि पोस्टर देख के ना मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि कुछ नया आने वाला है। फाइनली मैंने टीजर देखा, भाई साहब नया तो आया है, बहुत मतलब नई चीज पे काम किया है, मगर उसमें जो टाइगर श्रॉफ का जो काम है ना, वही घिसा पीटा पुराना वाला है। उड़ के मारना, इधर से घूम के मारना, वही फुल फेकम फाकी चल रही है, फुल मतलब बवासीर वाला डायलॉग। इसमें डायलॉग जो ऐड किया हुआ है, बात मेरे अपनों पे आती है तो मेरी सटक जाती है। भाई आपकी तो हमेशा सटकती रहती है, आपकी हर मूवी में सटकती रहती है, आपका ही डायलॉग है, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं। तो ये फैक्ट है, ये डायलॉग, बस डायलॉग तक ये सीमित नहीं था। दिस इज योर रियल फीलिंग, दिस इज योर रियल एक्टिंग, नथिंग एल्स। बिकॉज आप हर मूवी में बस उड़ के मार लेना, जंप कर लेना, आई नो आपको, आप ये सारा रियलिस्टिक करते हो, आई नो आप फेकम फाकी नहीं करते, बट कुछ नया करो ना। एक ही चीज पे कब तक खाओगे भाई, एक ही चीज को कब तक बेचोगे, कुछ तो नया करोगे। बॉलीवुड को जो आज बॉलीवुड की अहमियत, जो औकात बची है ना, वो आप जैसे महान लोगों की वजह से बची है। आप लोगों के जैसे महान महान लोग बॉलीवुड के अंदर बसे हुए हैं, जो कुछ करके राजी नहीं है, जो मेहनत नहीं करना, मेहनत करते हैं, दिमाग नहीं लगाते। स्टोरी ऐसी बनाओ, एक्शन फुल एक्शन, जवान भी थी बट जवान की स्टोरी देखिए। मुझे स्टोरी लाइन नहीं पता इस मूवी की, बट टीजर देख के तो इतना समझ में आ गया कि ये मूवी सेम टू सेम वही होने वाली है, जस्ट लाइक बागी 3। पूरे अकेला बंदा पूरी सीरिया से जाके लड़ रहा है। मैं अपील करूंगा अपने इंडियन गवर्नमेंट से कि सर, इतना ज्यादा पैसा बर्बाद करके क्या ही फायदा है, टाइगर श्रॉफ को पाकिस्तान भेजो, एक बार में खत्म करके आ जाएगा भाई। बात तो सही है। इतना भयंकर, अगर इतना तगड़ा अगर एक्शन आपको आता है, इतना ही चीज, तो आप क्यों बॉलीवुड में हो भाई, अकेला जाओ और निपटा के आओ, हमेशा का कलेश खत्म करो यार। इस कलेश से हम लोग परेशान हो चुके हैं गणपत जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो टीजर मैंने देखा, टीजर में जो एनिमेटेड मतलब जो VFX का काम है ना, पूरा सेटअप, बेसिकली जो मूवी है ना वो 2070 AD की है, मतलब 2070 की, मतलब फ्यूचरिस्टिक मूवी बना रखी है कि 2070 में भी वही बकवास स्टोरी, गरीबी, भुखमरी, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, लोग कट रहे हैं, कोई गुण विलन है, जो वो विलन जो है वो अपग्रेड हो चुके हैं, विलन पूरा 2070 के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक दुनिया में जी रहे हैं, मगर वही गोली मारना, वही गरीबों को मार देना, वही गरीबों को सताना। कुछ तो स्टोरी अलग लाओ यार, कुछ तो ऐसा लाओ जिससे हम देख के इंस्पायर हो सके, इंस्पिरेशन हमें मिले देखने के बाद, कुछ तो ऐसा करो। मैं टीजर देख रहा था ना, यही सोच के टीजर देख रहा था, थोड़ा एक्साइटेड था यार कुछ नया, क्योंकि जब स्टार्ट होता है ना तो उसका बहुत अच्छा सीन चलता है, फ्यूचरिस्टिक सीन, तो मैंने कहा लग रहा है यार तो कुछ नया बढ़िया आने वाला है, बट मैं भूल गया था टाइगर श्रॉफ। दिस इज माय बैड लक। मैं भूल गया था कि टाइगर श्रॉफ की मूवी है, होना वही है, डायलॉग वैसे ही बवासीर वाले चल रहे हैं। जब अपनों पर बात आती है तब अपन की हट जाती है। टीजर देखा मैंने, टीजर में टाइगर श्रॉफ की बॉडी नो डाउट बहुत प्यारी है, बहुत अमेजिंग है। उसमें सेटअप जो बना रखा है, मतलब सेटअप दिखाया हुआ है जो, वो काफ़ी अच्छा अच्छा लगा मुझे, है ना, सेटअप अच्छा लगा।
बट स्टोरी लाइन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई उसमें। देखो यार टीजर ना ऐसे रिव्यूज देने बैठा हूँ तो ऐसे नहीं बैठा हूँ, मुझे तो इतना पता लग ही जाता है कि क्या मूवी कैसी होने वाली है कैसी नहीं होने वाली है ना। तो वीडियो देख के ना ये पता लग जाता है कि स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, बट स्टोरी लाइन बकवास है भाई। हमें यार फ्यूचर जो पहला शॉट दिखाया उससे बंदों के नज़र में ऐसा दिखाया कि यार कमाल कुछ तो नया आने वाला है भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। जब चलने लग गया ना तो फिर समझ में आ गया नहीं बॉलीवुड है यार कैसे नया दे सकता है हमें, हमें कैसे नया कुछ दे सकता है। देना तो वही है ना, गिटी फिसी मेरी फैमिली पे आती है तो मेरी सटक जाती है, ये वो ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। कुछ नया दो हमें, ऐसा नहीं चाहिए टाइगर जी, कुछ नया दीजिए ताकि हम देखें और हम इंस्पायर हो सके उन चीज़ों से। इंस्पिरेशन दीजिए हमें, हमें फिर भुखमरी के उस पर मत ले जाइए। हमारे देश में ऑलरेडी बहुत भुखमरी चल रही है तो हमें ऐसी फिर से भुखमरी वाली मूवी ना बनाइए। हमें कुछ आप बना के ऐसा दें, या तो वीडियो में स्टोरी लाइन ऐसी दें जिसको स्टोरी लाइन हमें बिल्कुल अटैच कर दे आपकी मूवी से और मूवी देखने के बाद एक ऐसा लगे कि हाँ स्टोरी लाइन बहुत अच्छी बनाई है, तो ऐसी स्टोरी आप बनाएं। या तो अगर फ्यूचरिस्टिक मूवी बना रहे हैं तो कुछ ऐसी मूवी बनाएं जिससे हमें फ्यूचर में कुछ फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा लगे कि हाँ फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ मुझे कुछ भी फ्यूचर से अगर रिलेटेड दिखा रहे हैं तो वैसा दिखाइए। हम इसमें ये खिचड़ी मत बनाओ, खिचड़ी बिल्कुल मत बनाओ फ्यूचरिस्टिक मूवी में, ये गरीबी भुखमरी और गोली मारना ये मार देना किसी को भी मार देना ये सब मत दिखाओ। तो ये टीजर देख के मुझे ये समझ में आया कि जो टाइगर श्रॉफ से लेके रिलेटेड जितना है वो बिल्कुल फ्लॉप है मेरी तरफ से। सेटअप अच्छा है, अमिताभ बच्चन का मतलब बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, एक दो उसमें एक ही दो शॉट दिखाया तो उससे तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। हाँ ये है कि अमिताभ बच्चन इस मूवी में है, ठीक है, और सेटअप अच्छा लगा और बाकी और ज़्यादा कुछ तो उसमें दिखाया नहीं, एक्शन ही एक्शन दिखाया है। तो मुझे देखो भाई मेरा क्या है ना कि मैं कोई भी वीडियो देखने के बाद कुछ भी मैं ना मतलब झूठ नहीं बता सकता, मैं ना तारीफ झूठी तारीफें नहीं कर सकता है ना, तारीफों के पुल नहीं मान सकता। तो मेरी तरफ से ये था कि जो रियल होता है मैं रियल रिव्यूज़ देता हूँ, दिस इज़ रियल रिव्यूज़। तो ये मैंने बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे इस मूवी में है और इस मूवी से रिलेटेड जो मेरा रिव्यूज़ है मैंने दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरी वीडियोस से रिलेटेड जो आपका रिव्यूज़ है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, एंड अपना ख्याल रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये अपडेट पता चल सके और वो लोग भी इंजॉय कर सके। तो अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें और मेरा भी ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके और मेरी भी हेल्प मिल सके, मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, कोई और न्यू बढ़िया अपडेट के साथ, एंड जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को चेकआउट करें, बहुत सारी वीडियोस हैं देखें, एंजॉय करें, बाय, टेक केयर।